Still, you have not subscribed my channel. Please subscribe and press the bell icon to get the notifications of new videos of my channel. डायमीटर, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है पीसीडी बाय 2, ये डिस्टेंस है पीसीडी बाय 4 एंड ये डिस्टेंस है पीसीडी बाय 8। ये पीसीडी बाय 8 ये होता है टूथ का रेडियस, जो भी आप टूथ बनाएंगे, ठीक है, जो टूथ होगा ऐसे आपको ये रेडियस, ठीक है, ये होता है आर, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का ये होता है बेस सर्कल डायमीटर, यहां से यहां तक का, फिर ये भी आगे बढ़ेगा, ठीक। अब हम ड्रा करेंगे बीसीडी,
ये हो गया हमारा BCD, ठीक है। इसके बाद आता है टूथ थिकनेस 11 mm, ठीक। हम डिस्टेंस ले लेते हैं 11 mm का, ठीक। अभी हमारा अडेंडम और डिडेंडम बचा हुआ है, अडेंडम सर्किल डायमीटर एंड डिडेंडम सर्किल डायमीटर, उसको भी खींच लेते हैं इसके बाद से, ठीक है। ये है टूथ थिकनेस, देख रहे हैं कि अडेंडम 7 मीटर है, 7 mm है सॉरी, ठीक है। अडेंडम सर्किल डायमीटर ACD 154, ठीक है। नेक्स्ट हम ड्रा करेंगे ACD 154 mm, 154 mm का आधा करेंगे, ये होगा 77 mm। डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक, बहुत ही हल्का लाइन रखेंगे इसे, ये हो गया हमारा ACD। अब बात करते हैं DCD की, डिडेंडम सर्किल डायमीटर 123.8 है, इसे 140 भी मान सकते हैं, सॉरी नॉट 140 तो 62 होगा, 124 लिया जाएगा ये, हो गया हमारा 62। ठीक है, ये है ना 62, हाँ ये हो गया हमारा डिडेंडम, डिडेंडम सर्कल डायमीटर, इसके नीचे और कोई डायमीटर नहीं होगा, ठीक है। यदि होगा भी तो शाफ्ट के लिए होगा, अब शाफ्ट का जितना भी होल हो उसके लिए हम खींच सकते हैं, ये हो गया शाफ्ट के लिए, ठीक। इसके बाद बारी आती है क्लियरेंस की, जो क्लियरेंस है 1.1 mm, उसको हम सबसे लास्ट में खींचेंगे। इसके पहले हम खींचते हैं टीथ, ठीक है। तो टीथ के लिए हमें रेडियस चाहिए, रेडियस हमें पता है 17.5 mm, ये कहाँ से निकला है, PCD/8, ये जो डिस्टेंस है हमारा PCD/8, ठीक है। इसको भी डिस्टेंस ले लेते हैं, ये होगा 15, 16, 17 and 70.5, ओके। ये ठीक है, ये जो रेडियस होता है BCD पे होता है, ठीक है। BCD ये है, ये हमारा BCD, ये है ACD और ये है DCD, ये है PCD, पिच सर्कल डायमीटर। तो इसको खींचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप पेंसिल की नोक को PCD पे रखें और प्रकार की नोक को BCD पे रखें और एक सिंपल लाइन ड्रा कर दें, कर्व, ओके। सेम प्रोसीजर इस साइड से भी, ओके। एक का गैप रखेंगे, फिर वही प्रोसीजर कंटिन्यू रखेंगे,
यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ रखा हूँ। ये डिस्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कर्व होता है और वो कर्व होता है फिलेट का। यस, ठीक है, यह कर्व फिलेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टीथ के लिए हम देख लेते हैं। ओके, अभी एक टिप और बच गया है, इससे इसका भी देख लेते हैं। एग्जाम में अक्सर 4 से 5 टिप बनाने के लिए आता है, तो आप एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं बनाएंगे, 4 से 5 टिप बनाते थे तो बहुत है। और खासकर डिप्लोमा के लिए एक तरह से बीटीई बोर्ड का मान्यता प्राप्त क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आप इसको बनाने के लिए बहुत ही सहज और आसान तरीके से बना सकते हैं यदि इसके लिए आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होना है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो पाएगा, तो प्रैक्टिस आप करते रहें। ये पीसीडी भाई ओके, परफेक्शन के लिए मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने देखने में परेशानी ना हो। क्लियरेंस अभी बाकी रह गया है, इसके बाद हम क्लियरेंस पे ध्यान देंगे। हो गया, ये हो गया हमारा टीथ। अभी इसको हम नॉर्मली फ्री हैंड मिला देते हैं, चाहे तो आप प्रकार से भी मिला सकते हैं, ये जरूरी नहीं है।
कि आप प्रकार से ही करें, बस आपके हाथ में परफेक्शन होना चाहिए इसके लिए। ये हो गया आपका फिलेट के लिए, हल्का सा कर्व देंगे, मिला दिए। एग्जाम में आप जब भी बनाएं इसे तो छोटी छोटी बारीकियों को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से ही हमारा नंबर मार्क जो होते हैं उनको माइनस कर देते हैं। ये है आपका गियर टीथ, इस पर गियर टीथ, ठीक है। इनके नाम क्लेचर भी, ये है आपका अटेंडम, पीसीडी हो गया, ये आपका बीसीडी बेस सर्किल डायमीटर, ये आपका डिपेंडम। अब आपका बचा हुआ क्लियरेंस जो 1.1 mm का है, तो अंदाजतन आप थोड़ा सा, चूंकि ये इस केस से ढंक जाएगा, ये आपका क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब ये है कि जो ऊपर से या दूसरा हमारा, यदि मैं इसको गियर मानूं, ठीक है, तो दूसरा जो व्हील होगा वो पिनियन होगा, पिनियन का जो टीथ आएगा इसके नीचे नहीं आएगा, जो ये फेस है, ठीक है, यह फेस अगले का यहीं तक रहेगा। ये जो डिस्टेंस, ये गैप मिलता है वो क्लियरेंस होता है। ये हो गया हमारा क्लियरेंस। ओके, क्लियरेंस, ओके। डियर फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर इसे जरूर करें। धन्यवाद।